हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, चिरायु आयुष्मान कार्ड की नई सूची जारी हो गई है, यानी कि नई लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आयुष्मान कार्ड की जो नई लिस्ट आई है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आयुष्मान कार्ड की नई सूची जारी हो चुकी है। हरियाणा में चिरायु आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में किसका नाम आया है? तो दोस्तों इस सूची में उन सभी परिवारों का नाम आ चुका है जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से लेकर 3,00,000 तक वेरीफाई थी और उन्होंने अपनी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा कर दी थी, पेमेंट कर दी थी। उन सभी का आयुष्मान सूची में नाम जोड़ दिया गया है। चिरायु आयुष्मान लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। दोस्तों मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताई थी कि आपको 1500 रुपए की पेमेंट कैसे करनी है, आप अपना चिरायु सूची में नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, और आपको यह भी बता दिया था कि आपका नाम लिस्ट में कब एड हो जाएगा और आपको अपनी KYC कैसे करनी है या फिर आपका नाम लिस्ट में कैसे आएगा। तो दोस्तों सरकार ने वही प्रोसेस रखी है कि आज आपका जो आयुष्मान सूची है उसमें नाम जुड़ चुका है और आपका नाम लिस्ट में आ गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यही सीख लेते हैं कि हम अपना आयुष्मान सूची में नाम कैसे देख सकते हैं कि हमारा आयुष्मान सूची में नाम आ चुका है या नहीं, जुड़ गया है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है NHA बेनिफिशियरी पोर्टल और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है beneficiary.nha.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों यह वेबसाइट आपके सामने नहीं आती है तो आपको beneficiary.nha.gov.in को गूगल क्रोम में लिख देना है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप आयुष्मान कार्ड के नए पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। दोस्तों बेनिफिशियरी ऑप्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकता है और जो ऑपरेटर है वो दोस्तों जिसके पास ऑपरेटर आईडी होगी, जो भी अपनी ऑपरेटर आईडी बनाया गया या जिसकी ऑपरेटर आईडी बनाई जाएगी वही लॉगिन कर पाएगा। लेकिन दोस्तों बेनिफिशियरी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर फिल करके इस पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकता है। दोस्तों अब चलिए लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि आपको पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है और उसके अंदर आप डेटा कैसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, इस ब्लू डॉट को नीली बिंदी को आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है, यानी एक मोबाइल नंबर यहां पर आपको लिखना है। जैसे ही आप इसके अंदर कोई मोबाइल नंबर फिल करते हैं या टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो आपके साइड में यहां पर वेरीफाई का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और जो मोबाइल नंबर यहां पर आप फिल करेंगे उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको लिख देना है। और दोस्तों ओटीपी लिखने के बाद यहां पर आपके सामने एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, ABCD और जो गिनती है वो यहां पर आपको दिखाई जाएंगी, वो दोस्तों यहां पर आपको लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिख देना है। अगर यहां पर दोस्तों जो ABCD है वो अगर छोटे अक्षरों में है तो छोटे में लिखनी है, अगर बड़े अक्षरों में है तो बड़े अक्षरों में लिखनी है, और जो भी यहां पर लिखा हुआ है वो कैप्चा कोड में यहां पर आपको लिख देना है, जिस प्रकार मैंने यहां पर टाइप किया है। अब दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने स्टेट, स्कीम, डिस्ट्रिक्ट, सर्च बाय
का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी अपने राज्य हरियाणा को यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्कीम, यहां पर दोस्तों पहले एक ही स्कीम थी PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब दोस्तों इसमें दो स्कीम और ऐड कर दी हैं, टोटल अब तीन स्कीम हो चुकी हैं जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, चिरायु कार्ड बन रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो तीसरी स्कीम इसके अंदर दिख रही है PMJAY चिरायु, इस स्कीम पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। स्कीम पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहां से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यानी जिस भी जिले में आप रहते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें भिवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहां पर सर्च बाय यानी किस माध्यम से आप सर्च करना चाहते हैं, फैमिली आईडी, PMJAY आईडी, इसके बाद आपका नेम या फिर लोकेशन रूरल या फिर अर्बन, यानी आप लोकेशन रूरल पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे गांव की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, और अगर लोकेशन अर्बन पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे शहर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सीधे फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना फैमिली आईडी नंबर फिल कर देना है। आपका फैमिली आईडी नंबर यहां पर लिखने के बाद आपको इस वाले सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सर्च पर क्लिक करते ही आपका रिकॉर्ड यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस परिवार में यह दो सदस्य हैं और इन दोनों का ही आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जुड़ चुका है। इन्होंने भी 1500 रुपए जमा करके ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो KYC स्टेटस है वो आइडेंटिफाइड है और जो कार्ड स्टेटस है वो नोट जनरेटेड है, यानी इन दोनों आयुष्मान कार्डों की अभी KYC नहीं हुई है। KYC करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी KYC कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होती है तुरंत की तुरंत आपका आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, 5 लाख तक का मुफ्त उपचार ले सकते हैं, मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना आयुष्मान सूची में नाम देख सकते हैं। अगर आपने 1500 रुपए जमा कर दिए थे, 1500 रुपए की पेमेंट कर दी थी और आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से 3 लाख वेरीफाई थी, यानी 1,80,000 से 3 लाख वाला जो स्लोट है उसमें आपकी इनकम वेरीफाई थी। अब दोस्तों आपको KYC कैसे करनी है उससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी मदद से आप ये सीख पाएंगे कि आप अपने आयुष्मान कार्ड की KYC कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आने के बाद आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी KYC कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।